सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें आपका शब्द परिचय का तीसरा भाग है। इससे पहले जो आपके दो पाठ हैं, वह भी आपके शब्द परिचय के नाम से ही है। पहले वाले शब्द परिचय वाले भाग में आपके पुल्लिंग वाले शब्दों का परिचय दिया गया है। द्वितीय वाला जो आपका पाठ है, उसका आपका जो शब्द परिचय है, उसमें आपके स्त्रीलिंग वाले शब्दों का परिचय दिया गया है। और आपके तृतीय पाठ में आज आपको नपुंसक लिंग वाले शब्दों का परिचय दिया जाएगा। तत् और एतत् के बारे में आप जानते ही हैं। यहाँ पर जो आपका एतत् आपको शब्द दिखाई दे रहा है, वह आपका पास के लिए प्रयोग होता है, और जो आपका तत् होता है, वह आपका दूर के लिए प्रयोग होता है। यह आपके तत् और एतत् सर्वनाम के शब्द रूप है। यह दोनों ही आपके प्रथम विभक्ति के वाक्य हैं। आप इनको ध्यान से देखिए। एतत् किम, यह क्या है? जो आपका किम शब्द है, यह आपका प्रश्नवाचक शब्द है। एतत् खन्नित्रम अस्ति, यह खुदाली है। खुदाली आपकी जो इस औरत ने यह खंती के रूप में ली हुई है, इसको कहते हैं। शर्मिका खन्नित्रम चालयन्ती, जो शर्मिका है, यहाँ पे यह स्त्री है, तो इसके लिए शर्मिका प्रयोग हुआ है। यदि यहाँ पर पुरुष का चित्र होता तो उसके लिए शर्मिका प्रयोग होता। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि मजदूरनी खदाली को चला रही है। तत् किम, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपका चित्र कुछ दूरी पर है, तो दूरी के लिए आपका तत् प्रयोग होता है कि वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह आराम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम माने क्या, अत्र माने यहाँ, भित्तिकम दीवारें, अस्ति माने है, क्या यहाँ दीवारें हैं। अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ दीवारें नहीं है। यह जो आपका विश्राम घर है, इसके बारे में बातें हो रही है। यह आपके पिलर पर ही खड़ा हुआ है, तो इसमें आपकी भित्ति जो दीवार होती है वह नहीं है, वही आपके वाक्य में बताया गया है। यह दोनों भाग ही आपके एक वचन के शब्दों के हैं। यह जो आपके दो चित्र इन्होंने दिखाए हैं, इनमें जो आपके शब्दों का प्रयोग होगा, वह आपके द्विवचन वाले शब्दों का प्रयोग होगा। एते के का अर्थ है यह क्या है, क्योंकि यह चित्र आपका पास में आप दिखाई दे रहा है, तो पास के लिए आपका द्विवचन में एते प्रयोग होता है। के का अर्थ आपका है क्या है, यह क्या है। एते अंगुलिय के स्त, एते माने यह, अंगुली किए का अर्थ होता है आपकी अंगूठी, इस्ता माने है। ये जो आपका इस्ता है, यह आपका अस धातु का द्विवचन का शब्द है। एते जो आपका शब्द है, यह आपका द्विवचन का शब्द है, और अंगुली के भी आपका द्विवचन का ही शब्द है। तो आपका इसका अर्थ होगा यह दो अंगूठी है। स्वर्णकारा अंगुली के रचयति, स्वर्णकारा का अर्थ आपका सुनार, अंगुली के का अर्थ आपका अंगूठी, रचयति रचना कर रहा है या बना रहा है। यहाँ पर इसका अर्थ है आपका जो यह सुनार बैठा हुआ है, यह अंगूठियां बना रहा है। ते के का अर्थ है आपका वह क्या है। यह आपका चित्र कुछ दूरी पर है, तो आपका जो तत् शब्द है, उसके द्विवचन का आपका जो शब्द बनेगा वह होता है ते। के आपका प्रश्नवाचक है, तो आपका वह क्या है इसका अर्थ है। ते बस याने स्तः, वह दो बस हैं। ते माने वह, बस याने बसे, इस्ता माने हैं, वह दो बसे हैं। ते बस याने कुत्र गच्छतः, ते माने वह दोनों बस याने बसे, कुत्र माने कहाँ, गच्छतः जा रही हैं, वह दोनों बसे कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, ते माने वह दोनों रेल स्थानकम आपके रेलवे स्टेशन गच्छतः जा रही हैं, वह दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। इन वाले वाक्यों में आपका नपुंसकलिंग के बहुवचन का प्रयोग होगा। आप इसको भी ध्यान से देखिए। एतानी कानी,
एतानी आपका, यह चित्र आपका पास में है तो इसलिए आपका एतानी शब्द प्रयोग हुआ है। एतानी जो शब्द है आपका वह एतत का बहुवचन का रूप है। एतानी, एतानी का अर्थ है यह, कानी का अर्थ है क्या, यह क्या है। एतानी कर वस्त्राणी संति, एतानी माने यह सब, कर वस्त्राणी, कर वस्त्राणी का अर्थ होता है आपका रुमाल, संति माने है, यह सब रुमाल है। किम एतानी पुराणानी, किम माने क्या, एतानी माने यह सब, पुराणानी की पुराने हैं, क्या यह सब पुराने हैं। ना एतानी तु न्यूतनानी, ना माने नहीं, एतानी माने यह सब, तू माने तो, न्यूनतानी नवीन है कि नए है, नहीं यह सब तो नए है। तानी कानी, यह चित्र आपका कुछ दूरी पर है तो इसलिए आपके तत् के बहुवचन का प्रयोग हुआ है कि तानी माने वह, कानी माने क्या है, वह क्या है। तानी कंदली फलानी संति, तानी माने वह, कंदली फलानी आपके केले के फल, संति माने है, वह केले के फल है। क्योंकि इन वाक्यों में जो आपके शब्द प्रयोग हो रहे हैं वह आपके बहुवचन के हैं तो आप इनका ही प्रयोग करेंगे कि वह सब केले के फल हैं। किम तानी मधुराणी, किम माने क्या, तानी माने वह सब, मधुराणी मीठे हैं, क्या वह सब मीठे हैं, आम। तानी मधुराणी पोषकाणी च, आम माने हाँ, तानी माने वह सब, मधुराणी मीठे, च माने और, पोषकाणी पोषकता पूर्ण, हाँ वह सभी मीठे और पोषकता वाले हैं। आप अपने इस पाठ से अपने नपुंसक लिंग के शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। नपुंसक लिंग वाले शब्दों में आपका एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में आप किस प्रकार अपने वाक्यों का प्रयोग करते हैं यह आप अपने इस पाठ से सीखेंगे। यह आपके इस पाठ के शब्द अर्थ हैं, आप इनको याद कर लीजिए, यह आपको आपका पाठ समझने में सहायक होंगे। इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।